लोकसभा चुनाव 2019 के लिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ सपा ने आजमगढ़ और रामपुर सीटों से प्रत्याशी की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। आजमगढ़ से इस बार अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वहीं रामपुर से आजम खान को प्रत्याशी बनाया गया है और इससे पहले सपा ने रविवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित 40 नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। बीते दिनों एक निजी न्यूज चैनल ने कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने इशारों इशारों में आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात कही थी। अखिलेश ने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, आजमगढ़ की जनता कहेगी तो वहीं से लड़ूंगा क्योंकि वो सीट मेरे घर जैसी है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।